पहले लगाइए इस तरह से गांठ, फिर फाइव चैन, 1 2 3 4 5 जोड़ना है 1 चैन से, हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 3 चैन, 1 2 3 फंदा लेकर के इस छेद में बुनना है डबल क्रोशिया, 2 से फंदा निकालना है, फिर 2 से इसे भी जोड़ लेना है, 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस छेद में टोटल 20 डबल क्रोशिया बुन करके फिर दिखाती हूँ। इस छेद में टोटल 20 डबल क्रोशिया बुन ली है, अब इसे यहाँ से जोड़ना है, 1 2 3 थर्ड चैन इसे हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 3 चैन, 1 2 3 ये हो गई 1 डबल क्रोशिया, फिर से सेम चैन 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हर चैन में 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 हर चैन में 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम चैन, 2 बुन करके फिर दिखाती हूँ। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, हर चैन में 2 डबल क्रोशिया, लास्ट में 1 2 3 थर्ड जो चैन है इसी से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 3 चैन, 1 2 3 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इस राउंड में हर चैन में 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह बुन करके फिर दिखाती हूँ। इस राउंड में हर चैन में 1 डबल क्रोशिया बुन करके कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 थर्ड चैन इसी से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 1 चैन बुन करके धागा कट कर देना है। अब बुनूंगी रेड कलर की ऊन से, गांठ लगानी है, जो 1 चैन है अब किसी भी चैन से शुरुआत कर सकती हैं, इसमें हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ हमने जोड़ दिया है, 3 चैन, 1 2 3 ये हो गई 1 डबल क्रोशिया के लिए, फिर 3 चैन, 1 2 3 फंदा लेना है, 2 चैन बीच में चैन स्किप करनी है, 2 चैन स्किप हो गई, 3 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 3 चैन, ये स्किप है, ये 1 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 4 चैन स्किप हो गई बीच में, फिर 5 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 6 चैन स्किप, 7 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है, करके दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में 3 चैन बुन करके थर्ड चैन से जोड़ दिया है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 3 की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 फंदा लेकर के सेम चैन 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन, 1 2 3 इसे स्किप करना है, इसमें बुनना है 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन, 1 2 3 फंदा लेकर के सेम चैन 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन, 1 2 3 फंदा लेकर के इसे स्किप करना है, इसमें बुनना है। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है, करके दिखाती हूँ। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर लास्ट में 3 चैन बुन करके 1 2 यहाँ से 3 जुदा चैन है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 3 की चैन इसमें आना है, इसमें हाफ सिंगल क्रोशिया है, 2 चैन हाफ सिंगल क्रोशिया, 3 की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से 1 2 3 1 डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 फंदा लेकर के सेम चैन 2 डबल क्रोशिया, 1 2 एक चैन बढ़ेगी, इसमें 3 चैन थी, 4 चैन, 1 2 3 4 इसमें जैसे बुनती हूँ उसी तरह से बुनना है, 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, सेम चैन 2 डबल क्रोशिया, 4 चैन। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर अगले राउंड में ये सेम इसी तरह से इसमें 4 चैन है, अगले राउंड में 5 चैन, ये राउंड इसके बाद जो राउंड है 5 चैन
वो भी बुन करके फिर दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में फाइव चैन बुन करके थर्ड चैन से जोड़ दिया है। टू की चैन से आना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ। थ्री चैन वन टू थ्री, वन डबल क्रोशिया हो गए। थ्री चैन वन टू थ्री, फंदा लेकर के से बुनना है वन डबल क्रोशिया। थ्री चैन वन टू थ्री, ये फाइव की चैन है, से बुनना है वन डबल क्रोशिया। थ्री चैन वन टू थ्री, फंदा लेकर के फिर से सेम चैन वन डबल क्रोशिया। थ्री चैन वन टू थ्री, टू चैन सेम इस वन करना है, टू चैन वन डबल क्रोशिया। थ्री चैन वन टू थ्री, वन डबल क्रोशिया। थ्री चैन वन टू थ्री, जो फाइव की चैन इसमें वन डबल क्रोशिया, फिर थ्री चैन फिर से सेम चैन वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन इसे मिस करना है, इसमें बुनना है वन डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है, करके दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में थ्री चैन बुन करके वन टू थ्री, सिक्स चैन थी तो जो थर्ड चैन है इसी से जोड़ना है, तो थ्री चैन इसमें हो जाएगी। वन चैन बुन करके धागा कट कर देना है। अब बुनना है व्हाइट कलर की ऊन से, इसमें थ्री की चैन हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। थ्री चैन वन टू थ्री, ये हो गई वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया। अब देखिए वन टू थ्री, ये जो थर्ड चैन है इसी से पीछे की साइड से इस तरह से ये फफ बन जाएगा। टू चैन लेना है, वन टू फंदा लेना है, इसे स्किप करना है, इसे बुनना है फोर डबल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर, इसे बुनना है फोर डबल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर, 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 वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गए समय, फोर डबल क्रोशिया, ये फाइव है। टू चैन वन टू, इसे स्किप करना है, फिर देखिए यही आएगा जैसे ये पफ बनाया है, तो इसमें फाइव डबल क्रोशिया करना है। वन टू थ्री फोर फाइव, उसी तरह से इधर से जो वन डबल क्रोशिया की चैन होगी पीछे की साइड से फंदा निकाल देना, तो पफ बन जाएगा। टू चैन वन टू, चैन लेकर के अब इसे स्किप करना है, फिर यहाँ से बुनना है फोर डबल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो जाएंगे इस तरह। राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में टू चैन बुन करके चैन से जोड़ दिया है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ। टू की चैन से आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया। थ्री चैन वन टू थ्री, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया। उसी तरह से जो थर्ड चैन से भी क्रोशिया डाल करके पीछे की साइड से फंदा निकालना है। टू चैन वन टू, ये पफ बन गया, फंदा लेना है, ये ट्वेंटी चैन है। टू चैन इधर से स्किप करनी है, टू चैन इधर से स्किप, वन टू स्किप, यहाँ से बुनना है थ्री चैन से। थ्री चैन वन डबल क्रोशिया, फोर चैन वन डबल क्रोशिया, फाइव चैन वन डबल क्रोशिया, सिक्स चैन वन डबल क्रोशिया, सेवन चैन वन डबल क्रोशिया, एट चैन
वन डबल क्रोशिया, नाइन चैन वन डबल क्रोशिया, टेन चैन वन डबल क्रोशिया, इलेवन चैन वन डबल क्रोशिया, ट्वेल्व चैन वन डबल क्रोशिया, थर्टीन चैन वन डबल क्रोशिया, फोर्टीन चैन वन डबल क्रोशिया, फिफ्टीन चैन वन डबल क्रोशिया, सिक्सटीन चैन वन डबल क्रोशिया, सेवेंटीन चैन वन डबल क्रोशिया और एट्टीन चैन वन डबल क्रोशिया। नाइनटीन और ट्वेंटी ये टू चैन स्किप हो जाएंगे। टू चैन वन टू चैन बुनकर के फंदा लेना है, पफ बनाना है। फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशिया हो गई। जो वन डबल क्रोशिया की चैन है इसे पीछे की साइड से फंदा निकालना है। टू चैन वन टू, टू चैन बुन करके जो टू की चैन है इसे फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव हो गई। वन डबल क्रोशिया की चैन, फंदा निकालना है पीछे की साइड से। टू चैन बुन करके फिर उसी तरह से टू चैन इधर से स्किप करके थ्री चैन से बुनना है, इधर की टू चैन स्किप करना है। इस तरह राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ लास्ट में इसमें भी। इस राउंड को कंप्लीट करके टू चैन बुन करके इसमें पफ बनाया, फिर टू चैन बुन करके पफ की चैन से जोड़ना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी तरह से टू की चैन इसमें आना है, पफ बनाना है, वन टू थ्री, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया। जो थर्ड चैन है इसी से पीछे की साइड से टू चैन, अभी सिक्सटीन चैन है, टू चैन इधर से स्किप होगी, टू चैन इधर से स्किप, वन टू स्किप करके थ्री चैन से उड़ना है। थ्री चैन वन डबल क्रोशिया, फोर चैन वन डबल क्रोशिया, फाइव चैन वन डबल क्रोशिया, सिक्स चैन वन डबल क्रोशिया, सेवन चैन वन डबल क्रोशिया, एट चैन वन डबल क्रोशिया, नाइन चैन वन डबल क्रोशिया, टेन चैन वन डबल क्रोशिया, इलेवन चैन वन डबल क्रोशिया, ट्वेल्व चैन वन डबल क्रोशिया, थर्टीन चैन वन डबल क्रोशिया, फोर्टीन चैन वन डबल क्रोशिया, फिफ्टीन और सिक्सटीन ये टू चैन इधर से स्किप, वन टू, टू चैन बुन करके टू की चैन इसमें पफ बनाना है, फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव। इधर से वन डबल क्रोशिया की जो चैन है पीछे की साइड से फंदा निकालना है। टू चैन वन टू, अब बीच में जाली भी बनाना है। तो जो पफ की चैन है इसे वन डबल क्रोशिया, फिर टू चैन वन टू चैन, ये जो टू की चैन है इसमें वन डबल क्रोशिया, टू चैन वन टू, फिर इस पफ की चैन वन डबल क्रोशिया। इस तरह टू चैन वन टू चैन बुन करके इसमें पफ बनाना है, फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव। जो वन डबल क्रोशिया की चैन है इसी में क्रोशिया डाल करके फंदा निकालना है। टू चैन वन टू, टू चैन इसकी, फिर टू चैन स्किप करना है, यहाँ से बनना है इधर की टू चैन स्किप। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है, करके दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके जैसे इसमें बुना था उसी तरह से इसे बुन लिया। टू चैन बुन करके इस चैन से जोड़ दिया है। टू की चैन से आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन वन टू
3, अब बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। जो 1 डबल क्रोशिया चैन या थर्ड चैन, इसी से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ 2 चैन 1 2। अब ये 12 चैन है, 2 इधर से स्किप होगी, 2 इधर से स्किप होगी, 8 बचेंगी। यहाँ से 8 डबल क्रोशिया बुन करके इधर से 2 छोड़ करके फिर दिखाती हूँ। 2 इधर से स्किप है और 2 इधर से स्किप, 8 डबल क्रोशिया, 2 चैन 1 2। उसी तरह से पफ बनाना है, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया करने के बाद जो 1 डबल क्रोशिया की चैन पीछे की साइड से 2 चैन बुन करके बिछाने, यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन। अब क्या करना है, जो इसमें 2 की चैन है इसे बनाते जाना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 की चैन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, जी 2 की चैन, 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से 2 चैन, इधर इसे बनाना है जैसे इस पफ में बनाया हमने 2 चैन। फंदा लेना है, अब इसे पफ बनाना है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर अगले राउंड में 2 इधर से स्किप, 2 इधर से स्किप, तो 4 बचेंगे और इसमें पफ बनाएंगे और ये जाली जैसे हमने आपको सिखाई बढ़ती जाएंगी। इसके बाद जो राउंड है वो भी कंप्लीट करके फिर उसके बाद 4 बचेंगी, फिर दिखाती हूँ। इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में 2 चैन बुन करके इस चैन से जोड़ दिया। उसी तरह से 2 की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, 3 चैन 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। जो थर्ड चैन इसमें डाल करके हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ 2 चैन, अभी इधर से 2 इधर से 2, तो ये 4 चैन स्किप हैं, 2 के चैन इसमें फफ बुनना है, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5, 1 डबल क्रोशिया की चैन इसमें डाल करके पीछे की साइड से फंदा निकालना है, 2 चैन 1 2, 2 चैन बुन करके फिर जैसे जाली बुनती है उसी तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर बुनना है 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह से 2 चैन यहाँ तक बुन करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक बुन लिया, फिर 2 चैन लिया, अब इसमें फफ बुनना है, फिर 2 चैन बुन करके ऐसे बुनना है जैसे ये बुना है, तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है, करके दिखाती हूँ। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, लास्ट में इस पफ की चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। उसी तरह से 2 की जो चैन है, ये 2 है, जो 2 की चैन बीच में है इसे पफ बुनना है, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। अब जो थर्ड चैन है इसी में डाल करके पीछे की साइड से फंदा निकालना है, 2 चैन, अब ये जाली जैसे बुनती हूँ उसी तरह से बुनूंगी। इस राउंड में कुछ भी नहीं करना है, कि यहाँ तक जाली ही बुनना है। जाली बुनने के बाद ये जो 2 की चैन है इसमें पफ बुनना है, इस तरह बुन करके दिखाती हूँ। अब बुनूंगी रेड कलर की ऊन से, कहीं से भी आप जोड़ सकती हैं, 3 चैन 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया के लिए 3 चैन 1 2 3,
जो थर्ड चैन इसमें डाल करके वन सिंगल क्रोशिया, फंदा लेकर के फिर से सेम चैन वन डबल क्रोशिया, इसी तरह से बुनना है। वन डबल क्रोशिया थ्री चैन, वन टू थ्री, जो टू फंदे दिख रहे हैं वन सिंगल क्रोशिया, फिर से सेम चैन वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया थ्री चैन, वन टू थ्री, टू फंदे दिख रहे हैं इसी में वन सिंगल क्रोशिया, फिर से सेम चैन वन डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है, करके दिखाते हैं। थाल पोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले जो भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।